बैक टू माई चैनल यूपी बहू नॉर्थ ईस्ट निमोल। आज क्या है पता है, आज यहाँ पे ना बहुत बारिश हुई थी, है ना। तो आंधी भी आ गई थी एकदम से, है, और कोई नहीं था घर पे, खाली समर हम ही खाली, तो बस एंजॉय कर रहे थे। फिर सोचा मैंने कुछ बनाए, मौसम भी ऐसे ही है पकौड़े खाने वाले चाय के साथ, तो मैंने सोचा कि पकौड़े बनाए। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस, मैंने बेसन को लिया, उसमें हींग डाला, जीरा और नमक, है ना, और जीरा आप पाउडर डाल सकते हैं या तो ऐसे ही जीरा डाल सकते हैं डायरेक्ट, अच्छा लगता है। और ग्रीन चिलीज और रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से बनता है पेस्ट बना के, फिर चलो अच्छे से पेस्ट हो गया। इसमें आलू डाल दिया मैंने, आलू के पहले पकौड़े बनाएंगे और समर को भी बहुत पसंद आते हैं, तो यही पहले करेंगे। चलो अभी तेल गरम हो गया है, आलू को पहले डालें, फिर आलू के पकौड़े बन जाए, फिर चाय के साथ आराम से खाएंगे। पर आज हाँ, तीन चीज़ें के पकोड़े बनाऊंगी गाइस, फिर आराम से खाएंगे। कभी कदार अच्छा लगता है खाना, है ना, बारिश के मौसम में तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब होने वाला है आलू की पकोड़े। चलो अब ये है प्याज के पकोड़े, प्याज भी अच्छा लगता है, महीन महीन काट के बस मिक्स कर दे बेसन में, फिर बना ले। इसके बाद फिर पालक पकोड़े बनाऊंगी, एक आलू का और एक प्याज और एक पालक, तीन चीज़ें का बनाना है। तो पकौड़े इसको भी निकाल दें। अब जो है पालक, पालक की बारी है। पालक भी अच्छा लगता है, पालक तो बहुत अच्छा है, आयरन भरपूर मात्रा में है, तो सब बच्चे को भी खिलाना चाहिए, बड़े भी सब खाना चाहिए, है कि नहीं। और अच्छा बनता है पालक पकौड़े। चलो ये भी बन जाएगा। ये देखो गाइस, हो गया तीन चीज़ों का पकौड़े। और ये चटनी है, पहले से बना के रखा हुआ था घर पे, ये रहा पकौड़ी। चमर पकड़ी, ये लो तुम्हारे पकड़ी, अब हो गया। अरे वाह, खा लो खा लो, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा, वेरी गुड। ये जो है ना, ये पकोड़े जो है ना, समर की वजह से बनाए हैं, है ना। आज क्या हुआ था, आज बहुत बारिश हुआ है ना पुगो, आंधी भी आए ना, तो मम्मा को भी पकोड़े खाने का मन था और समर को भी था, है ना, तो मामा ने बना लिया। दूध तो पी चुके हैं समर, चाय तो बनाया है मामा ने, और बताओ अच्छा है, प्यास वाला है वो। कोई बात नहीं, आलू भी है, आलू वाला भी है। पोटैटो आलू का बना है, प्याज का बना है और पालक का बनाए, पालक तो अच्छा ही होता है, तो अलग अलग बनाए। और चटनी तो पहले से ही बना के रखा हुआ था, तो उसके साथ मैं अभी खाऊंगी, और समर के साथ भी तो रखा है अभी, और पापा के इंतज़ार कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, शाम तो हो ही गया है, है ना। तो गाइस आप लोग भी खाइए घर पर, है ना,
मेरे है ना बहुत होता है, मेरे फेवरेट वर्ड है, मेरे हैबिट हो गई है ना सुमा। फिर निकल आए मम्मा का। चलो सबको बाय कर दो, और ना यहीं पर हम लोग का ब्लॉग खत्म करते हैं, ठीक है? से बाय टू एवरीवन, बाय, सी यू अगेन।